हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अदाकारा नरगिस ने फिल्म जगत को आगे बढ़ाने में यादगार भूमिका अदा की। आवारा से लेकर मदर इंडिया तक अभिनेत्री ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। यहाँ तक कि नरगिस राज्यसभा जाने वाली पहली अभिनेत्री भी रही। आज यानी 3 मई को नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज के इस मौके पर आइए डालते हैं एक नज़र उनके शानदार फिल्मी करियर पर और राज कपूर संग ढेरों ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद भी आखिर क्यों जुदा हुई दोनों की राहें, इसकी वजह पर। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों का स्पेशल। हिंदी सिनेमा की बात हो तो सबसे सफल एक्ट्रेसेस की गिनती में जो नाम सबसे पहले जहन में आते हैं, नरगिस उन्हीं में से एक है। हिंदुस्तानी सिनेमा की नींव रखने में नरगिस और राज कपूर जैसे फनकारों ने अहम रोल प्ले किया है। नरगिस ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। सबसे ज्यादा उनकी जोड़ी हिट रही शोमैन राज कपूर के साथ। पर्दे पर इनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि इसका असर पर्दे के पीछे भी नजर आया। फिल्मों के साथ साथ नरगिस और राज कपूर निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चाएं बटोरने लगी। अक्सर दोनों के रिश्ते को लेकर भी बातें होने लगी। राज कपूर के साथ नरगिस की जोड़ी 40 के दशक में बनी थी, लेकिन 60 का दशक आते आते ही ये सुपरहिट जोड़ी टूट गई। अलग होते समय भी दोनों ने साथ में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। कोलकाता में जन्मी फातिमा रशीद बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया से जुड़ गई और यहीं से उन्हें अपना स्क्रीन नेम नरगिस भी मिला। जब एक्ट्रेस 16 साल की थी तो उनकी मुलाकात राज कपूर से हुई। दोनों साथ में पहली बार फिल्म आग में नजर आए और इस फिल्म ने छप्पर फाड़ कमाई की। फिर क्या था, राज कपूर और नरगिस की जोड़ी पर्दे पर हिट होती चली गई। आरके स्टूडियो की हिट फिल्मों की लिस्ट में नरगिस की कई यादगार फिल्में शामिल हैं। राज कपूर और नरगिस ने साथ में अंदाज, आवारा, बरसात, आग, आह और श्री 420 समेत कई हिट फिल्में दी। इसके बाद एक ऐसा वक्त भी आया जब हिट फिल्मों की झड़ी लगाती ये जोड़ी टूट गई। 1956 में राज कपूर और नरगिस की जोड़ी ने जिस भी फिल्म में काम किया वो सफल रही, लेकिन यही वो दौर था जब इस खूबसूरत जोड़ी के रिश्ते में खटास आ गई। अब जानते हैं कि आखिर क्यों टूटी थी राज कपूर और नरगिस की ये खूबसूरत जोड़ी। तो बता दें कि राज कपूर और नरगिस का रिश्ता लगभग 9 सालों तक चला। अभिनेत्री इसके बाद घर बसाना चाहती थी, लेकिन राज कपूर पहले से ही बाल बच्चे वाले थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब नरगिस के सब्र का बांध टूट गया। अभिनेत्री को भी महसूस होने लगा था कि राज कपूर की फिल्मों में उन्हें अब पहले जैसी अहमियत नहीं मिल रही। फिल्म श्री 420 में नरगिस लीड हीरोइन थी, उन्हें नॉन ग्लैमरस किरदार दिया गया और नतीजा ये हुआ कि सारी लाइमलाइट अभिनेत्री नादिरा ने चुरा ली। साल 1956 में नरगिस और राज कपूर की फिल्म चोरी चोरी रिलीज हुई। ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म सुपरहिट रही। फिल्म ने शानदार बिजनेस किया और यही वो फिल्म थी जिसके बाद नरगिस और राज कपूर फिर कभी लीड रोल में साथ नजर नहीं आए। इसके कुछ दिनों बाद आई फिल्म जागते रहो में नरगिस राज कपूर के साथ पर्दे पर दिखी, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। ये फिल्म ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाई। जागते रहो को राज कपूर ने प्रोड्यूस किया था और शंभू मित्रा ने डायरेक्ट किया था। तो ये थी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार जोड़ी नरगिस और राज कपूर के टूटने की कहानी। आज नरगिस की डेथ एनिवर्सरी पर रिपोर्टर जी परिवार की तरफ से उन्हें ढेरों श्रद्धांजलि।